अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ख्वाजा मिनी जू। तो आज हम अपनी सेकंड वीडियो बनाने जा रहे हैं और इस वीडियो में हम आपको अपने बर्ड्स विजिट करेंगे, हमने कौन कौन से बर्ड्स रखे हैं। तो आइए चलते हैं बर्ड्स की तरफ, हम आपको दिखाते हैं। तो चलते हैं हम सबसे पहले अपने पहले केज की तरफ। तो यहाँ पे असल में कॉकटेल का एक पेयर है जो कि इस टाइम पे एग्स पे बैठा हुआ है। ये फीमेल है, पाइट फीमेल है और इसके साथ इनो जो है पॉसिबल स्प्लिट है, क्योंकि इन्होंने लास्ट टाइम ब्रीड की थी और एक बच्चा जो निकाला था वो रेड आई बच्चा था। तो ये पॉसिबल स्प्लिट्स का पेयर है। पाइट इसमें फीमेल है और इनो हमारे पास कॉकटेल है। हमारे पास दूसरा पेयर आ जाता है, ये हमारा सबसे बेस्ट पेयर है। पर्ल फीमेल हो गई और ग्रे मेल हो गया हमारे पास। इनका एक चिक वो बाहर बैठा हुआ है जी, माशाल्लाह से बड़ा हो गया चिक और इन्होंने दोबारा एग लेइंग की हुई है, आप देख सकते हैं। अच्छा तो चलते हैं हम अपने थर्ड केज की तरफ। तो यहाँ पे हमारे पास है सिनेमम पाइनएप्पल कनूर का एक पेयर जो कि माशाल्लाह बहुत ही बेस्ट पेयर है और इन्होंने लास्ट टाइम भी ब्रीड की थी और जो है वो 6 एग ले किए थे जिसमें से 3 चिक्स निकले थे, क्योंकि फर्स्ट टाइम ब्रीड थी मेरे पास और जिसमें से 2 जो थे वो माशाल्लाह बड़े हो गए और वो सोल्ड आउट भी हो गए। तो ये सिनेमम पाइनएप्पल कनूर, अभी ये डिस्टर्ब हो रहे हैं, ये मुझे कहना चाह रहे हैं कि आज जल्दी से बॉक्स बंद करो क्योंकि ये ज़रा डिस्टर्ब होते हैं बॉक्स करने से। हम आपको अपना दूसरा कॉकटेल का पेयर दिखाते हैं। यहाँ हमारे पास है इनो कॉकटेल पेयर, माशाल्लाह से इन्होंने हैचिंग भी की हुई है, 2 इनो रेड आई कॉकटेल चिक्स भी निकाले हुए हैं। ये इनो रेड आई का पेयर है मेरे पास, माशाल्लाह से आप देख सकते हैं चिक्स। इसके बाद हम आपको लेके चलते हैं अपने बेस्ट जो लव बर्ड का पेयर है, जो हमने हमारे पास चिक्स निकले थे और उन चिक्स से जो था हमने पेयर बनाया था। बड़ा सुना था मैंने कि लोग कहते हैं कि चिक्स का पेयर बनाए तो वो बहुत अच्छा ब्रीड करता है। तो ये मेरे पास ही चिक्स निकले थे और अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल से मेरे पास ब्रीड कर रहे हैं। इनकी मैं ब्रीड बताता हूँ आपको माशाल्लाह से। ये जी हमारे पास फीमेल है, माशाल्लाह से इसने 4 एग्स ले किए थे और 4 के 4 जो है वो हैच किए हैं, आप देख सकते हैं माशाल्लाह। रेड आई पसनाटा लुटिनो पसनाटा जो है वो फीमेल है हमारे पास, देख सकते हैं। एक और पेयर है नीचे, हम आपको वो भी दिखाते हैं। नॉक इसलिए करते हैं कि ताकि पेयर रेडी हो जाए कि हम बॉक्स खोलने वाले हैं। इनको आधी इसमें दिया गया है, ये भी माशाल्लाह एग्स पे बैठे हैं, इंशाल्लाह 2-3-4 इनके भी चिक्स जो हैं वो हैच हो जाएंगे। ये दोनों जो है इसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ अपने अल्बाइनो के पेयर की तरफ। ये अल्बाइनो पॉसिबल स्प्लिट मेल है, आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड पे बिल्कुल वाइट नजर आ रहा है। और इसके साथ इस तरह की फीमेल भी थी लेकिन वो कुछ दिन पहले एक्सपायर हो गई, लाइक मैंने उसका ऑपरेट तो कर दिया था, एक बाइंडिंग एक निकाल दिया था भाई, लेकिन 3-4 दिन बाद वो एक्सपायर हो गए। आज मैं फीमेल लेकर आया हूँ इसकी, ये पस्टिलिनो की फ़ीमेल है, माशाल्लाह से बहुत प्यारी फीमेल है। आपको केज को तो होप्स हो कि ये जल्दी से अपना पेयर बना लें और एग्स लेइंग कर दें, माशाल्लाह से आप देख सकते हैं। अच्छा इसके बाद हमारे पास लव बर्ड का एक और पीच फेस लव बर्ड का पेयर है, ये चिकन का जी, माशाल्लाह से ये इनकी मदर, ये फीमेल, ये मेल और ये एक चिक अंदर बैठा हुआ, ये आप देख सकते हैं। 2 चिक्स हैं इनके साथ, अभी बड़े हुए हैं, बस सेल्फ हो गए हैं। इनको भी आज या कल में मैं अलग कर दूँगा और उन्होंने दोबारा ले की हुई है, 5 अंडे दिए और 5 के बाद माशाल्लाह फर्टाइल है। मैं आपको कुछ दिन बाद इंशाल्लाह फर्टिलिटी चेक करने का तरीका भी बताऊँगा इंशाल्लाह, ठीक है। हमारे पास लव बर्ड पीच फेस के, ये भी माशाल्लाह मेरे पास घर की होम ब्रीड थी और 2 साल से माशाल्लाह ये भी बहुत अच्छा ब्रीड कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास कॉकटेल का एक पेयर है जो हैंड टेम था, मेल हैंड टेम था, फीमेल बनाया था, इसने अभी तक कोई ब्रीड नहीं की क्योंकि मेल जो था वो बहुत हाई बेहतरीन किस्म का हैंड टेम हुआ था, तो वो अभी तो इसकी हैंड टेम वगैरह वो ख़त्म हो गया है, वाइल्ड की तरफ वापस आ गया है, तो ये बैठे हैं लेकिन अभी तक कोई ब्रीड नहीं है। इसके बाद माशाल्लाह हमारे पास जो है वो सेंकनोर का हमने पेयर लिया है, वो इसी सीज़न में हमने लिया है,
अभी तक कोई ब्रीड नहीं की इन्होंने, लेकिन माशाल्लाह से नेस्टिंग वगैरह इन्होंने की हुई है, तो इंशाल्लाह होप है कि बहुत जल्द ये ब्रीड कर जाए इंशाल्लाह। बहुत खूबसूरत प्यारा है। इसके बाद हमारे पास ज़िला का एक पेयर है माशाल्लाह, ये भी बहुत खूबसूरत पेयर है। ये भी अभी हमने परचेज़ किया है, लाइक किसी मंथ में फरवरी में हमारे पास आया। माशाल्लाह से ये भी रिस्पांस अच्छा दे रहा है, फिटिंग वगैरह करा रहे हैं, तो होप्स हो कि ये इस सीज़न में शायद ब्रीड कर जाए, कन्फर्म नहीं लेकिन शायद शायद ब्रीड कर जाए। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत पेयर है। इसमें रूबिनो हमारे पास फीमेल है, जो वाइट आपको लेफ्ट साइड पर नज़र आ रही है, और जो बॉक्स के तकरीबन बाहर बैठा है वो जंगल का मेल है। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास ग्रीन इंडियन रिंगनेक का एक पेयर है आजकल, वो भी बॉक्स के अंदर बैठा हुआ है, तो उसकी भी प्रोग्रेस मैं आपको दिखाता हूँ कि शायद उसने एग्स लेन कर दिए हों। तो ये हमारा जी है माशाल्लाह से ग्रीन नेकनेक का पेयर, आजकल बॉक्स में तो बैठा हुआ है लेकिन अभी तक इसने एग लेइंग वगैरह नहीं की कुछ भी, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि 3-4 दिनों में शायद ले कर दे। लास्ट सीज़न इसने 4 चिक्स माशाल्लाह हैच किए थे, इस सीज़न अभी तक कुछ हैच नहीं किया। ये था हमारा बर्ड रूम, फजर मिनी जू का बर्ड रूम, तो होप्स आप लोगों को पसंद आया होगा। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में, आने वाली वीडियोस में हम आपके साथ शेयर करेंगे कि हम इनको खाने में क्या देते हैं, सर्दियों में इनकी क्या रूटीन होती है, गर्मियों में इनकी क्या रूटीन होती है, सीड्स के साथ साथ हम इनको कौन सी ऐसी चीज़ें देते हैं कि हमारे सीड्स का खर्चा कम हो जाता है, बच्चे का खर्चा कम हो जाता है, और क्या ऐसी चीज़ें देते हैं जब इनकी चिक्स निकलते हैं ताकि चिक्स की डेथ ना हो। ये सब चीज़ें हम आपके साथ आने वाली वीडियो में इंशाल्लाह शेयर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाजमी ज़रूर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।